हेलो दोस्त, कुछ दोस्तों का कमेंट आ रहा है कि आरआरबी में हमें नौकरी करना है, चाहे एलपी हो, ग्रुप डी हो, या आपका एनटीपीसी हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, तो क्या मुझे डिवीज़न अलॉटमेंट कैसे होता है, क्या किया जाता है, या मुझे अपने मनपसंद का डिवीज़न मिल सकता है क्या? तो अगर सिंपल लाइन में कहा जाए तो नहीं, क्योंकि आरआरबी में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जिससे आपको डिवीज़न की चॉइस दिया जाए। हालांकि ग्रुप डी में कई जगहों पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डिवीज़न की चॉइस पूछी गई थी कि इतनी वैकेंसी है, इसमें आपस में आप चेंज कर सकते हैं, यानी अपनी पसंद आप दे सकते हैं, लेकिन आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये डिपेंड आरआरबी पे पड़ेगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं नहीं, डायरेक्टली रूप से आपको मनपसंद नहीं मिलेगा, लेकिन आप नीरेस्ट भर सकते हैं, अपनी पॉसिबिलिटी ले सकते हैं कि यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा, इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए, इसको बात करने से पहले आप भी देख लें कि भारत में अभी फिलहाल फंक्शन में आप देखेंगे तो 16 जोन का 21 आरआरबी, 73 डिवीज़न प्लस वर्कशॉप, मान ले 300 वर्कशॉप है, छोटे बड़े वर्कशॉप सारे वर्कशॉप होते हैं, तो स्टेशन भी आपको इंक्लूड करना है तो और बढ़ जाएगी संख्या। ये सारी कंडीशन होते हुए भी आपको अपना मनपसंद डिवीज़न चुनने का मौका मिलेगा क्या? तो पहले डिवीज़न देख लेते हैं, उसके बाद इसकी डिस्कशन को हम करेंगे कि कैसे नहीं मिलता। तो जब हम डिवीज़न की बात करेंगे तो रेलवे का ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें भारतीय रेलवे का डिवीज़न के बारे में सारी जानकारी दी गई है, जिसमें आप जान सकते हैं कि कौन सा डिवीज़न में कहाँ पे कौन सी भर्ती है और कहाँ पे पोस्टिंग होनी रहती है। अब यहाँ एग्जांपल के रूप में आपको बताऊं कि पटना आप देखिएगा, आरआरबी पटना आप सिंपल रूप में देखेंगे तो पटना जहाँ भी मिले उसको आप ढूंढ लीजिए, हाजीपुर वाला एरिया, ईस्ट सेंट्रल रेलवे। अब यहाँ पे तो कितने डिवीज़न आपको दिखेंगे, पटना वाले में देखिए तो डिवीज़न आपको दिखेंगे आराम से देखिए, पेन में ले लूँ तो यहाँ पे देखिए हाजीपुर में डिवीज़न कहाँ कहाँ दिख रहा है, दानापुर, मुगलसराय, धनबाद, सोनपुर और समस्तीपुर, ये 5 डिवीज़न है और इन 5 डिवीज़न को भरने के लिए 3 आरआरबी वैकेंसी लेती है। तो 3 नंबर पे धनबाद है, धनबाद को भर्ती करने के लिए आपको रांची से वैकेंसी आती है, जनरली हो सकता है कहीं से और चेंज हो जाए। मुगलसराय, दानापुर, सोनपुर तक, ये तीनों को करीब करीब कहें तो पटना में आती है और सोनपुर और समस्तीपुर की वैकेंसी आरआरबी मुजफ्फरपुर में आती है। और आपको चाहिए, अगर मान लिए कि धनबाद और आरआरबी पटना आपने ईसीआर देख के भर दिया तो आपको धनबाद में ड्यूटी मिल सकती है क्या? 99% चांस है कि नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वैकेंसी आरआरबी रांची कवर करती है। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल है कि जिस आरआरबी में आपने अप्लाई किया है उसके साथ साथ आपको डिवीज़न भी देखना ज़रूरी है कि अगर आपने उस आरआरबी में अप्लाई किया है तो डिवीज़न, हाँ कुछ कंडीशन में कैसे आपको डिवीज़न मिल सकता है उसके लिए मैं एक बात बताता हूँ आपको सिंपल सी वे में, कि अगर आपको डिवीज़न चाहिए, जैसे मैंने बोला यहाँ पे धनबाद डिवीज़न है, इसमें आपको जॉब चाहिए, तो आरआरबी रांची में आप जब सेलेक्ट किए हैं उस समय अगर धनबाद में मिल गया तो मिल गया, नहीं तो फिर क्या होगा, इसके अलावा आपको रांची वाले दूसरे भी डिवीज़न है उसमें आपको पोस्टिंग मिल जाएगी, तो आपका मनपसंद तो यहाँ भी नहीं पूरा हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, डिवीज़न अलॉटमेंट के लिए रेलवे में एक सिंपल सी फार्मूला है, उसको मैं बता दूं कि रेलवे में पोस्ट आती है, जो भी पोस्ट आती है उसकी पोस्ट की फिक्स होती है किस डिवीज़न में कितनी वैकेंसी है, लेकिन आरआरबी ये किसी के साथ शेयर नहीं करता, कोई कैंडिडेट को नहीं पता होता किस डिवीज़न में कितनी वैकेंसी है, हमें केवल पता चलता है कि इस आरआरबी में इतनी वैकेंसी है और जोन कौन सा है, ईआर है, एसीआर है, आपका ईसीआर है, जिसकी वैकेंसी है वो पता चल जाएगा आपको। लेकिन एक ईआर में अगर जाए तो 6 डिवीज़न है, किस डिवीज़न की कितनी पोस्ट है आपको पता नहीं, और जब आरआरबी वैकेंसी निकालती है उस समय उन्हें पता रहता है कि उसी अनुसार से उसको डिवीज़न अलॉट करना है। तो नए दिनों में क्या होता है, जैसे ही लोगों उतने कैंडिडेट आते हैं तो उनकी डिवीज़न अलॉटमेंट डायरेक्ट हो जाती है, यानी कैंडिडेट से इसमें इंक्वायरी की बात नहीं पूछा जाता कि आपको कौन सा डिवीज़न लेना चाहिए, क्योंकि रेलवे को करना है अब फास्ट प्रोसेस। पहले क्या होता था, कई बार पूछा जाता था कि यहाँ पे 2 कैंडिडेट आए हैं आज डीबी के लिए, एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं 2 के लेता हूँ, हो सकता है उस दिन 20 आए हों, तो पूछ लिया जाता था कि ये 20 लोग हैं, आप इसमें से कौन से डिवीज़न में जाएंगे, 1 में जाएंगे, 2 में जाएंगे, 3 में जाएंगे, 4 में जाएंगे, क्योंकि 20 लोग हैं और 20 ही वैकेंसी है,
तो सबसे पूछ लिया जाता था, एडजस्ट वहाँ पे पॉसिबल हो जाता था। लेकिन आजकल क्या होता है, मल्टीपल पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी निकल रही है और रेलवे अपनी टाइम सेव करने के लिए आपका टाइम नहीं देके डायरेक्ट आपको क्या बताता है, आपका डिवीज़न बता देता है कि इस डिवीज़न में आपकी पोस्टिंग मिली है, क्योंकि डिवीज़न का रूल है नहीं कि आपसे पूछा जाए कि डिवीज़न कौन सा मिलेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, सिंपल सी बात है कि डिवीज़न अलॉटमेंट आपसे पूछ के नहीं, डायरेक्ट कर दिया जाता है। जितने भी 73 डिवीज़न है, बस आप एक चीज़ कर सकते हैं, जब आप फॉर्म भरें तो फॉर्म भरते वक्त ये ध्यान रख सकते हैं कि कौन सी डिवीज़न में कितना है। जैसे आपने नॉर्दर्न रेलवे में भरा तो इलाहाबाद झांसी आगरा मिलेगा, ये इतना तय है। लेकिन इलाहाबाद में अगर भरते हैं तो इलाहाबाद नॉर्दर्न रेलवे की भी वैकेंसी लेती है, उसमें अगर फंस गए तो आपको ये तीनों नहीं मिल के आपको हो सकता है दिल्ली अम्बाला वाला सेक्शन भी मिल जाए, तो ये बहुत बड़ी रिस्क होती है रेलवे की अभी डिवीज़न अलॉटमेंट में। थैंक यू, धन्यवाद।